नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का आगाज हो चुका है। सपा, बसपा, बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों को तैयारी के संकेत दे दिए हैं। अगले महीने उम्मीदवारों के भी नाम घोषित कर दिए जाएंगे। बता दें कि फिलहाल समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है, जिसमें से करहा से तेज प्रताप यादव, मलकेपुर से अजीत प्रताप सिंह और कुंदनकी से पूर्व एमएलए रिजवान के नाम पर उम्मीदवारी के सबसे ऊपर चल रहे हैं। देखिए, 10 की 10 सीटों पर जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन अपने कैंडिडेट्स दे रहा है। और हमने जिस तरीके से 2024 की लड़ाई लड़ी, जो जनता की लड़ाई थी, जिसमें हम बहुत प्रमुखता से पीडीए का नारा उठा करके हमने इस लड़ाई को लड़ा और बहुत हद तक हम लोगों को कामयाबी मिली, तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की, बल्कि समाजवादी पार्टी इस बात पर यकीन कर रही है कि इन उपचुनाव में भी पूरी तरीके से एक तरफा जीत समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को मिलने वाला है। वो किस बेसिस पे कह रहे हैं, उनके इस बात को कहने की क्या तात्पर्य है, समझ में नहीं आता, क्योंकि 2024 में जो रिजल्ट्स आए हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि इतना हास्यास्पद बयान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, और वहीं अगर बात करें सभी पार्टियों की तो समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियां पूरी पुरजोर कोशिश कर रही हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 3 नामों पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको बताएं मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर में अजीत प्रताप सिंह के नाम पर, और बात करें कुंदरकी की, कुंदरकी में रिजवान, और करहल की बात करें तो तेज प्रताप यादव के नाम पर मुहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर बात करें पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी की इन 10 सीटों में से 5 सीटों पर दबदबा था, लेकिन समाजवादी पार्टी अब 10 की 10 सीटों को जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है। और पूरा अब कौन पार्टियां कितनी सीटें जीतती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी करते करते सपा विधायक महबूब अली ने ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मचना तय माना जा रहा है। दरअसल अमरोहा से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली ने विवादित बयान देकर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने यूपी में मुस्लिम आबादी बढ़ने की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के 2027 में सत्ता से बेदखल किए जाने का दावा किया है। दरअसल अमरोहा से सपा विधायक बिजनौर की एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम आबादी की धौंस दिखाई। उन्होंने यूपी में मुस्लिम आबादी बढ़ने की बात करते हुए बीजेपी सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज खत्म हो गया है। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या करोगे। हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन कहीं कुछ लोग आते हैं। अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, चाहुल्ला कुमार, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाम जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, जरूर। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अमरोहा से विधायक महबूब अली ने योगी सरकार पर सीधा निशाना साधा है।
उन्होंने कहा मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, अब तुम्हारा राज खत्म होने वाला है। महबूब अली ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा तुम्हारा राज खत्म होने वाला है। बता दें कि विधायक महबूब अली ने केंद्रीय सरकार को सब कुछ बेचने वाली सरकार बताते हुए कहा, कोई कहने वाला है, कोई इन्होंने रेल बेच दी, दूर संचार बेच दिया, LIC बेच दिया, देश बेच दिया, हवाई अड्डे भी बेच दिए। उन्होंने कहा ये किस मुंह से सेवा करने आए थे, जनता सब समझ गई है। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा साल 2027 में तुम जाओगे जरूर और हम आएंगे जरूर। इसके अलावा अली ने प्रदेश की योगी सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा बीजेपी संविधान का विरोध करती है, पार्टी आरक्षण विरोधी है। साथ ही विधायक ने दावा किया कि संविधान सिद्धांत शब्द समाजवादी पार्टी में है। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी की सरकार में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची। यूपी के बिजनौर में समाजवादी पार्टी की तरफ से संविधान मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान ही सपा विधायक को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और योगी सरकार पर खूब निशाना साधा। चलिए आपको बताते हैं कौन है विधायक महबूब अली। महबूब अली उत्तर प्रदेश के अमरोहा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। महबूब अली अपने सियासी करियर में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इनका नाम सपा के बड़े मुस्लिम चेहरों में शामिल है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए शकील अहमद बिजनौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील, ने ये जो बयान आया है महबूब अली का, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? क्योंकि ये तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि अब मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है, अब भाजपा वाले कहां जाएंगे? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिजनौर के रॉयल बैंकेट हॉल में प्रोग्राम हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली यहाँ आए थे। तो उन्होंने ये विवादित बयान दिया है जिसको लेकर ये हलचल मच गया है समाजवादी पार्टी में, और जो प्रशासन है उसने जो है दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता है महबूब अली और बिजनौर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजू हुसैन है, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा क्यों दर्ज किया गया है? क्योंकि उनका विवादित बयान था कि मुसलमानों की अब जो आबादी प्रतिशत बढ़ रहा है, अब भाजपा वाले कहाँ जाएंगे? तो ये विवादित बयान जो उन्होंने दिया था, इस बयान को लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शकील, किस मामले में इन पे मुकदमा दर्ज है या किसके तहत FIR दर्ज कराई गई है, किन धाराओं में, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? नफरत फैलाने को लेकर के धाराओं में वैमनस्य फैलाने, समाज में वैमनस्य फैलाने को लेकर के इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और ये बिजनौर थाना शहर कोतवाली में जो है FIR दर्ज हुई है। क्योंकि जो कल इन्होंने संविधान को लेकर के एक प्रोग्राम किया था, संविधान को लेकर के उसमें इनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। शकील, क्या महबूब अली के इस बयान के बाद अभी तक सपा की तरफ से कोई बयानबाजी की गई है या इनके बयान को लेके कोई सफाई जारी की गई है सपा की तरफ से अभी कोई? देखिए अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं जाकिर हुसैन, तो उनसे हमारी बात हुई है कि इस मामले में, लेकिन उन्होंने कैमरे पर आने से तो मना कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि इस मामले को लेकर के जो विवादित बयान था वो महबूब अली ने दिया है, उनसे ही बात कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी शकील, लेकिन खुले मंच पे आके जनता के बीच इस तरीके का बयान देना, क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं नफरत फैला रही है? ऐसे में जनता का क्या रवैया है वहां पे? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, पूरा बयान महबूब अली जो है पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के, उनका यह है कि अब मुसलमानों का प्रतिशत, आबादी का प्रतिशत बढ़ रहा है, अब भाजपा वाले कहाँ जाएंगे? मुगलों ने 800 साल शासन किया है, वो नहीं रहे तो भाजपा क्या रहेगी? इस तरह के बयान थे उनके, ये अल्फाज थे उनके, इसको लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये समाज में नफरत फैलाने वाला बयान था, इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन ने इतनी धाराओं में जो है इन सेक्शन में नफरत फैलाने को लेकर के इनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जी शकील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये महबूब अली ने एक खुले मन से बयान दिया जिसके बाद बताया कि अब इनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है नफरत फैलाने को लेकर।